उत्तर भारत में भीषण सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। गहरी धुंध और कोहरे से लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। आज तो शाम 5:15 बजे ही अमृतसर में गहरी धुंध देखने को मिली, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर कुछ गर्माहट लेने की कोशिश कर रहे हैं और विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां लाइटें चलाकर और धीमी रफ्तार से की जा रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लोगों को शिमला जैसे टूरिस्ट स्थान पर जाने की बजाय अमृतसर में ही मौसम का आनंद लेना चाहिए। चाय की दुकान के मालिक का कहना है कि सर्दी बढ़ने से उनके पास चेंके ग्राहक भी बढ़ गए हैं। वहीं कुछ एक का कहना है कि किसान इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जसप्रीत, अमृतसर तो मैं तुम सारे ये कहना चाहनी हाँ भी इतने इन्ना मज़ा आ रहा है, इन्नी धुंध इन्नी ठंड पै रही है, तुसी लोग बाहर घूमन जा रहे हो, असली मज़ा तो देखो अपने शहर च इन्नी ठंड का आ रहा है। मैं सवेर की 4 बार चाह पी ली पर दिल करता पी जाओ, ठंड का नज़ारा ले जाओ, बहुत वधिया लग रहा जी। तुम सारियां नू घर दे अंदर रह के अपने शहर से ठंड का मज़ा लेना चाहिए। असी जी सवेरे रजाई छड़न नू पहली गल तो दिल नहीं करता जी, फिर छड़दे आ पहले तो जी चाह का कप बनाने, फिर जी सारा दिन ठंड च कभी रात नू अग बाल के बह जाने, कभी साग धर लिया जी, कभी दाल बना ली चुल्हे ते, शाम नू बच्चों नू लेके थोड़ा जा धुप्पे दोपहरे पार्क च इंजॉय कर लिया जी, शाम नू असी ठंड च बस फिर रजाइए चढ़ जाए, पूरा पूरा ठंड का नज़ारा आ रहा जी, बहुत नज़ारा आ रहा। मैं तो सब नू यही कहना चाहनी हाँ जी, तुसी डलहौजी ना भूल दो, तुसी अपने शहर च वधिया तरीके नाल ठंड नू चाह पी के एंजॉय। कुलविंदर सिंह जी, ठंड बहुत पै रही है, ठंड करके गाहक साढ़े को चाह का काम है साडा, ठीक है, चाह पीन लोग आ रहे हैं पर ठंड बहुत है, पर घरों लोग बाहर घट निकल रहे, घर बार थोड़ा वध्या भाई चाह का एवं कि चाह करके साड़ी चाह ज़्यादा विकती है, दुद्ध भी निकल रहा है, चाह पानी निकल रहा जी, गाहक आ रहे हैं पर ठंड बहुत हो गई, धुंध बहुत पै गई इस टाइम। जो दिल्ली किसान बैठे जी वेखो इन्नी ठंड बैठे हैं, उन्होंने हल कोई ना कोई होना चाहिए, घरों अपने घर आने बहुत माड़ा हाल उन्होंने, इस टाइम ठंड बहुत हैगी है भाई जी, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई बंदा बीमार ना हो जाए, भैया और हालात माड़े ना हो जाए, इस तरह कहने सरकार ने कहने जो हल है प्यार ना जिदा भी हल करके खत्म कर देना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन